देवघर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ अनुबंध कर्मचारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 111वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आंगनबाड़ी सेविका ने टावर चौक से चलकर कुंवर सिंह चौक होते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और 20 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से मान की सम्मान वेतन सम्मान काम की मांग की। साथ ही सेविका ने सरकार को मांग नहीं पूरी करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव के साथ राजा कुमार यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या मांग है मैडम? हमारी मांग है आज 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं और ये हमारा हम लोग का अधिकार दिवस है जो कि क्लारा जेटकिन ने 1910 में चालू किए थे। आवाज़ उठाई थी कि उन लोग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था महिलाओं को, उन लोग को कोई भी अधिकार ना था, ना उसको वोट देने का अधिकार था, ना उसका अपना अपना जीवन जीने का अधिकार था ढंग से। उससे वो लोग वहाँ से शुरू हम लड़ाई लड़ाई उस लड़ाई को हम आगे ले जा रहे हैं और ले जाना चाहते हैं। और समान काम का समान वेतन हम महिलाओं ने मांग करते हैं सरकार से। हम लोग आंगनबाड़ी सेविकाएं जो कि मात्र 6400 रुपया में काम करती है और सरकार जो गजट पास की है 29 अगस्त 2017 को, उसमें दिया गया है कि कोई भी सेक्टर में काम करने वाले को 24000 से नीचे मानदेय नहीं मिलनी चाहिए, वेतन नहीं मिलनी चाहिए। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग को 6400 रुपया किस आधार पर खटवा रही है सरकार? ये सरकार जवाब दे हमको कि उसका गजट जो कि 24000 से नीचे नहीं होनी चाहिए और हमको 6400 रुपया में खटवा रही है। हमारी कन्या जो सहायिका है मात्र 3500 रुपया में काम करती है और हम लोग को 1-2 घंटा नहीं बल्कि 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है। हर जितना तरह का विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, जितना तरह का विभाग सब विभाग का काम करते हैं, फलेरिया मलेरिया पोलियो सारा कार्य हम लोग करते हैं और उसमें हम लोग का मात्र 6400 रुपया में सब काम संपन्न करवाया जाता है। और जितना तरह का साइड में काम आता है उसका भी एक भी पैसा उसका नहीं मिलता। जबकि हम लोग का मांग आज महिला दिवस पर हम लोग खड़े हैं, सरकार से मांग है कि हम लोग को जो हम लोग को 2017 में जो हम लोग हड़ताल किए थे उस हड़ताल की अवधि में जो लेटर दिया गया है उसके अनुसार हम लोग को दिया जाए और नहीं तो अन्यथा हम लोग फिर अनिश्चित काल हड़ताल पर उतर जाएंगे। जो कह रहा है सरकार कि वो रोड पर नहीं आई है, हम आप लोग को देंगे, हम लोग को जल्द लागू किया जाए, नहीं तो हम लोग रोड पर उतर ही जाएंगे, काम को बंद कर दिया जाए। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का 9 सूत्री का मांग उनको दिए हैं, 9 सूत्री का मांग का लेटर आपको भी इसमें दे रहे हैं, आप बताइए ना। हाँ, जैसे कि हम लोग को समान काम समान वेतन है, 24000 से कम नहीं है जो एक हो गया। दूसरी में हम लोग को सरकारी छुट्टी मिलना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, रिटायरमेंट मिलना चाहिए हम लोग को, जो मिलता है सब सरकारी सुविधा, पेंशन मिलना चाहिए हमको। क्या नाम है? मेरा सुशीला देवी, मैं प्रखंड अध्यक्ष ग्रामीण।